हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आवर टॉपिक इज इंटर रिलेशन बिटवीन वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में हमने काफी सारे प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, वर्ड रेशो, वाटर कंटेंट, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, और उसमें दुनिया भर के तरीके की यूनिट वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी थी। ठीक है, इनकी आपस में जो इंटर रिलेशन है वो पूरे सॉइल मैकेनिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन हम कर रहे होंगे उस टॉपिक के क्वेश्चन को पढ़ने में इन सब का यूज होगा ही होगा कि इनके आपस में क्या रिलेशन है। काफी सारे तरीके के फॉर्मूलाज हैं और उन फॉर्मूलाज को मैं ड्राइव कराऊंगा यहाँ पे। आपको डेरिवेशन भी याद रखनी है फॉर्मूला याद रखने के साथ साथ, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में उनको किसी भी तरह से यूज किया जा सकता है, राइट। तो सबसे पहले अगर इंटर रिलेशन देखेंगे तो देखिए क्या होगा। सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई भी सॉइल स्पेसिमेन है और ये सॉइल स्पेसिमेन मैं पूरा थ्री फेज में लेके चलूंगा। ठीक है, सॉलिड यहाँ पे होगा, ये वाटर होगा, ये एयर होगा। इस वाले साइड में मैं सॉइल का वेट लिख देता हूं, ये आ जाएगा वेट ऑफ सॉलिड, इधर आ जाएगा वाटर का वेट, इधर आ जाएगा सॉलिड का वॉल्यूम, और इस वाली साइड में आ जाएगा ये पूरे का पूरा वॉइड का वॉल्यूम होगा, राइट। ये पूरे का पूरा वॉइड का वॉल्यूम होगा। अब देखिए क्या करना, अगर मैं यूनिट वेट लिखू सॉइल का, अगर मैं सॉइल का यूनिट वेट लिखू, या फिर यूनिट वेट नहीं लिख के अगर मैं सॉइल का टोटल वेट लिखू, मान लीजिए कैपिटल W डिनोट करेगा टोटल वेट ऑफ सॉइल और WS डिनोट करेगा वेट ऑफ सॉलिड। तो टोटल वेट ऑफ सॉइल अलग चीज है, वेट ऑफ सॉलिड अलग चीज है, राइट। तो अगर मैं टोटल वेट लिखू तो देखिए, क्योंकि एयर का तो वेट जीरो होगा, तो इस सॉइल का टोटल वेट किस किसके बराबर होगा, सॉलिड का वेट प्लस वॉटर का वेट, ये हो जाएगा सॉलिड का वेट प्लस वॉटर का वेट, राइट। इतना चीज हमको पता है, हमने एक डेफिनेशन पढ़ा था वाटर कंटेंट का, उस वाटर कंटेंट का डेफिनेशन क्या था, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड का रेशियो वाटर कंटेंट क्या था, क्योंकि जब पढ़ चुके हैं पहले। तो इस रिलेशन से मैं ये लिख सकता हूं क्या कि वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू वाटर कंटेंट इनटू वेट ऑफ सॉलिड, इस रिलेशन से लिखा जा सकता है वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू वाटर कंटेंट इनटू वेट ऑफ सॉलिड। अगर मैं इस वेट ऑफ वाटर की जगह पे इस वेट ऑफ वाटर के इस फॉर्मूले को पुट कर दूंगा, इसको अगर मैं इस इक्वेशन नंबर वन में पुट करूंगा, तो टोटल वेट वुड बी WS प्लस वाटर कंटेंट इनटू WS, ये सॉइल का टोटल वेट होगा, सॉइल का टोटल वेट। ठीक है, तो W इज इक्वल टू, यहां से WS कॉमन आ जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड को कॉमन ले लेंगे, क्या बचा, वन प्लस वाटर कंटेंट, राइट। तो अगर मैं यहां से WS लिखना चाहूं, वेट ऑफ सॉलिड लिखना चाहूं, इज इक्वल टू टोटल वेट डिवाइडेड बाय वन प्लस वॉटर कंटेंट, ये फॉर्मूला आपके कब काम आएगा, जब इन तीनों चीजों में से तुम्हारे पास कोई भी दो चीज हो, या तो तुम्हारे पास सॉलिड का वेट हो और वॉटर कंटेंट हो, सॉलिड का वेट हो और वॉटर कंटेंट हो, तब हम टोटल वेट निकाल सकते हैं सॉइल का, या फिर अगर तुम्हारे पास सॉलिड का वेट हो और टोटल वेट हो तो वॉटर कंटेंट कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर तुम्हारे पास वाटर कंटेंट हो और टोटल वेट ऑफ सॉइल हो तो हम यहाँ पे सॉलिड का वेट पता कर सकते हैं, मतलब इन तीन में से कोई भी अगर चीज तुमको पता होगा तो दूसरी, तीन में से कोई भी दो चीज पता होगा, तीसरी चीज आसानी से पता चल जाएगी। बहुत बार यूज होगा फॉर्मूला, जब हम सॉइल मैकेनिक्स से क्वेश्चन करेंगे इस वाले चैप्टर के, तो ये फॉर्मूला बहुत बार यूज होगा, और यही नहीं सारे के सारे जो फॉर्मूले होंगे वो सभी काफी जगह पे यूज होंगे, बहुत बार यूज होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, इंटर रिलेशन बिटवीन वेरियस प्रॉपर्टी, एक को आपको ये फॉर्मूला याद रखना, राइट। दूसरी तरफ चलते हैं, ये हो गया, अब हम देखते हैं दूसरा फॉर्मूला। अगर मान लीजिए मैं इसका टोटल वॉल्यूम लिखू, अगर मैं सॉइल का टोटल वॉल्यूम लिखू, तो हमें पता है सॉइल में दो चीजें होती है, एक सॉलिड होता है और एक वॉइड होता है। तो सॉलिड के टोटल वॉल्यूम में क्या क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड होगा, राइट। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा और वॉल्यूम ऑफ वॉइड होगा, तो टोटल V इज इक्वल टू वी एस प्लस वी बी, राइट, ये हो जाएगा। अब देखिए इसको इक्वेशन नंबर ए नाम दे देते हैं, मान लीजिए हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी वॉइड रेशो को, और वॉइड रेशो था वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है,
ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए जो हमने वर्ड रेशो को पढ़ा था, वाटर कंटेंट का पढ़ा था, पोरोसिटी का पढ़ा था, डिग्री ऑफ सेचुरेशन का पढ़ा था, स्पेसिफिक ग्रेविटी का पढ़ा था और सारे तरीके के यूनिट वेट पढ़े थे, वो सारे डेफिनेशन आपको याद होने चाहिए। तो E इज इक्वल टू वी वी बाई वी ऐसा पढ़ चुके हैं। इसको जब सोल्व करेंगे तो यहां से मैं V V को इस तरह से लिख सकता हूं, देखिए E इंटू वी एस, यहां से वॉल्यूम ऑफ वॉइड वुड बी E इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, राइट। तो इस वी वी को मैं इक्वेशन नंबर ए में पुट कर दूंगा, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल वुड बी वी एस प्लस ई इंटू वी एस, किया जाएगा। यहां से वी एस कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा, वन प्लस ई। तो अगर मैं वी एस लिखना चाहूं, सॉलिड का वॉल्यूम लिखना चाहूं, तो क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वन प्लस वॉइड रेशियो। यहां पे वी का मतलब है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल और वी वी का मतलब है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और वी एस का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और ई का मतलब क्या है, वॉइड रेशियो, ठीक है। तो इसमें भी तीन चीजें हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल है और वॉइड रेशियो। इन तीन में से कोई भी तुमको दो चीज बताऊंगी अगर, तो तीसरी चीज कैलकुलेट की जा सकती है। इनपे बेस्ड हम क्वेश्चन भी करेंगे, इनपे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा आपको, हम इतने क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे कि आपसे किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन नहीं होगा सोल्व करने, इसमें ये मेरी गारंटी है, ठीक है। दो रिलेशन हो गए, इसको नाम दे देते हैं अपन नंबर टू, इसको अपन नाम दे देते हैं नंबर टू। तीसरा देखिए, नेक्स्ट अगर देखते हैं तो अगर मान लीजिए मैं फॉर्मूला लिखता हूं पोरोसिटी का, एम का, तो पोरोसिटी का फॉर्मूला होता है वी वी डिवाइडेड बाय वी, ये होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अभी पीछे वाले रिलेशन हमने देखा था कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड को क्या लिखा जा सकता है, ई इंटू वी एस, ठीक है, और ये टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल है कैपिटल वी, तो कैपिटल वी को क्या मैं लिख सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, वी एस प्लस वी वी, ठीक है, और इस वी वी को क्या लिखा जा सकता है, ई इंटू वी एस, राइट। तो एन इज इक्वल टू आ गया तुम्हारे पास ई इंटू वी एस डिवाइडेड बाय, यहां से वी एस कॉमन आ जाएगा, यहां से वी एस कॉमन ले गया, क्या बचा, वन प्लस, ये वी एस से वी एस में सरा होगा, तो एन वुड बी ई डिवाइडेड बाय वन प्लस। ये भी बहुत जगह पे यूज होगा, दिस इज फॉर्मूला नंबर थ्री। अगर इसी इक्वेशन से हम ई का वैल्यू कैलकुलेट करें तो ई का वैल्यू हो जाएगा एन डिवाइडेड बाय वन माइनस, राइट, एन डिवाइडेड बाय वन माइनस एन, ये चीज हो जाएगी। ये भी याद रखना, चार फॉर्मूले हुए हमारे पास टोटल। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ नंबर, अगर मैं फॉर्मूला लिखूं वॉइड रेशो का, वॉइड रेशो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब मान लीजिए इस इक्वेशन को अगर मैं वॉल्यूम ऑफ वाटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये दोनों कट के एक ही हो जाएंगे, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो रिलेशन क्या बना, इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिख देता हूं, ये हो जाएगा वी वी डिवाइडेड बाय वी डब्ल्यू इंटू वी एस डिवाइडेड बाय वी डब्ल्यू, राइट। अब देखिए, हमने एक रिलेशनशिप पढ़ा था डिग्री ऑफ सेचुरेशन का, डिग्री ऑफ सेचुरेशन हुआ करता था वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड, और यहां पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो ये उल्टा हो गया। तो इस वाली क्वांटिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, वन बाय एस लिखा जा सकता है, तो ई का वैल्यू हो जाएगा वन बाय एस, वन बाय एस सिर्फ ये वाली टर्म है, इनटू ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, सॉरी
ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है, इसको अरेंज करके लिखेंगे। अब देखिए इस वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की जगह पे क्या लिख सकते हैं, हमने एक टर्म पढ़ी थी यूनिट वेट, यूनिट वेट क्या था, किसी भी चीज का वेट बाय वॉल्यूम, भले ये वाटर का हो भले ये सॉलिड का हो, तो यूनिट वेट इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम। इस रिलेशन से मैं वॉल्यूम को इस तरह से लिख सकता हूं क्या, वेट डिवाइडेड बाय यूनिट वेट, वेट डिवाइडेड बाय यूनिट वेट लिखा जा सकता है वॉल्यूम की जगह पे, तो वाटर का भी लिख दूंगा मैं और सॉलिड का भी लिख दूंगा, तो क्या हो जाएगा, अगर वाटर का वॉल्यूम लिखेंगे तो क्या आएगा, वाटर का वेट, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर, इसी तरह से सॉलिड का वॉल्यूम लिखेंगे अगर तो आ जाएगा वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। अब इनको अच्छे से अरेंज कर लीजिए, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय एस इन टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं डब्ल्यू डब्ल्यू बाय डब्ल्यू एस इन टू गामा एस बाय गामा डब्ल्यू, तो E वुड बी 1 बाय एस इन टू वेट ऑफ वॉटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड, ये क्या होगा वॉटर कंटेंट इन टू यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर, क्या होता है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर बताया था पिछले वाले लेक्चर में, ये होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स, तो इसकी जगह पे आ जाएगा जी, ये ऐसे में चला जाएगा, तो रिलेशन हो गया तुम्हारे पास ई एस इंटू डब्ल्यू इंटू जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत बार काम आएगा। वॉइड रेशियो इनटू डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू वॉटर कंटेंट इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये भी आपको याद रखना, ठीक है, ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, नेक्स्ट है जैसे मान लीजिए अगर फेज डायग्राम बनाना चाहो तो बना लो, नहीं ये जरूरी नहीं, अब आपको याद हो जाना चाहिए कि इस फेज डायग्राम में टोटल वेट और टोटल वॉल्यूम किस किस के बराबर होता है, दिस इज एयर दिस इज वाटर दिस इज सॉलिड, एयर आई पुट वेट ऑफ सॉलिड दिस में बी वेट ऑफ वाटर, एयर आई कैन राइट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड दिस इज वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम। अगर मैं यहां पे बल्क यूनिट वेट लिखूं, बल्क यूनिट वेट का मतलब बताया था मैंने टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम पिछले वाले लेक्चर में देखा था हमने, तो हियर आई कैन राइट टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम। अब देखिए इसमें सॉलिड का टोटल वेट किस किस के बराबर है, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर, तो वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉरी वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर है, ठीक है। इसमें से डब्ल्यू एस कॉमन ले लू, इसमें से डब्ल्यू एस कॉमन ले लू तो क्या बचाओ, वन प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू बाय डब्ल्यू एस और डिवाइडेड बाय, इसमें से अगर मैं वी एस कॉमन ले लू तो क्या बचा, वन प्लस वी वी बाय वी एस, राइट, ये चीज बच गई। फर्दर अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे गामा टी इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू एस बाय वी एस इंटू वन प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू बाय डब्ल्यू एस, क्या होता है वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय वन प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, क्या होता है वॉइड, ये बन गया। अब एक चीज और देखिए, ये बहुत काम आएगा आगे पूरे सॉइल मैकेनिक्स में, लगभग हर चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट काम आएगा जो मैं बताऊंगा, वेट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये लिखा है, ठीक है, तो वेट ऑफ सॉलिड बाय यूनिट वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड होता है। अगर मैं इस यूनिट वेट ऑफ सॉलिड को गामा डब्ल्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो वो दिक्कत है, वो दिक्कत नहीं है। अब यूनिट वेट ऑफ सॉलिड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या बन गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स, तो वेट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, जी एस इंटू रो डब्ल्यू या गामा डब्ल्यू, वॉल्यूम
वेट बाय वॉल्यूम की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, जीएस इंटू गामा। ठीक है, ये तो हम यहां पे यूज करेंगे। अगर कभी तुमसे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के लिए कहा जाए, तुमको वेट ऑफ सॉलिड बताओ और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के लिए कहा जाए, तो इसी रिलेशन से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इस तरह से लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय जीएस इंटू गामा डब्ल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा कि वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय जीएस इंटू गामा डब्ल्यू। ये सभी में लागू होगा, चाहे किसी भी तरीके का सॉलिड हो या और भी कोई चीज हो, जो भी चीज होगा यहाँ पे, वाटर होगा, ऑयल होगा, सॉइल होगा, कुछ भी होगा, दूध होगा, तो वो आ जाएगा, उसी का वेट आ जाएगा, उसी के स्पेसिफिक रेट आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे टर्म है हमारे पास वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो वेट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जगह पे जीएस इंटू गामा डब्ल्यू लिख सकते हैं, तो दैट वुड बी गामा टी इज इक्वल टू, मैं इस पूरी टर्म की जगह पे लिख सकता हूं जीएस इंटू गामा डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू डिवाइडेड बाय वन प्लस टी। ठीक है, तो गामा टी वुड बी, इस अपन गामा डब्ल्यू को पीछे पटक देते हैं, तो क्या बचा, जीएस इंटू वन प्लस डब्ल्यू डिवाइडेड बाय वन प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू लिख सकता हूं। अब इस जीएस को जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो गामा टी वुड बी जीएस प्लस जीएस इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय वन प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। अभी थोड़ी देर पहले हमने रिलेशन देखा था ई एस इज इक्वल टू W इंटू जीएस, ये देखा था, और ये वाली टर्म क्या है W इंटू जीएस। इस W इंटू जीएस की जगह पे E इंटू एस लिखा जा सकता है, ले सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा गामा टी वुड बी जीएस प्लस एस इंटू टी वन प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। ये है बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर। तो जो भी डिग्री ऑफ सेचुरेशन और वॉइड का कंडीशन रहेगा उसके हिसाब से बल्क यूनिट वेट कैलकुलेट किया जा सकता है सॉलिड। ये तो बेसिक है, ये बेसिक है। अब इस एस का वैल्यू क्या क्या रहेगा उसके हिसाब से ये वैल्यू अलग अलग हो जाएगी, राइट। देखिए कैसे, ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से, दो तीन बार अगर बिना देखे करोगे तो समझ में आ जाए। अल्टीमेटली आपको याद ये रखना है, लेकिन डेरिवेशन याद रखने की मैं इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये भी आपको क्वेश्चन में कहीं भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, अब देखिए इसकी कंडीशन क्या क्या हो सकती है। अगर मैं बात करूं, ये तो टी की वैल्यू है, गामा टी का मतलब जो भी नेचुरल कंडीशन में थ्री फेज रहेगा। अगर मान लीजिए सेचुरेशन की बात करें, फुली सेचुरेटेड सॉइल की बात करें, फोर फुली सेचुरेटेड सॉइल, फोर फुली सेचुरेटेड सॉइल, तो फुली सेचुरेटेड सॉइल के लिए एस का वैल्यू एक होता है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन का वैल्यू एक होता है, और फुली सेचुरेटेड सॉइल के लिए यूनिट वेट ऑफ सॉइल को क्या लिखा जा सकता है, सेचुरेटेड यूनिट वेट लिखा जा सकता है। तो गामा सेचुरेट इज इक्वल टू, ये जो एस है इस एस की जगह पे कितना रखू, वन रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा जी एस प्लस ई डिवाइडेड बाय वन प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। एस पुट करेंगे वन, तो ये हो जाएगा जी एस प्लस ई डिवाइडेड बाय वन प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, राइट। अगर इसी तरह से मान लीजिए फोर ओवन ड्राइड सॉइल, फोर ओवन ड्राइड सॉइल, तो ओवन ड्राइड सॉइल के लिए एस का वैल्यू जीरो होगा, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इस एस की जगह पे अगर जीरो पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो क्या बचेगा गामा ड्राई लिख, इसको गामा डी इज इक्वल टू बचेगा जी एस इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय वन प्लस। ठीक है, ये बचेगा। अगर मान लीजिए, अब मैं इसको मिटा देता हूं, हमारे पास एक यूनिट वेट और है, एक कंडीशन और हो सकती है, कौन सा, सबमर्ज्ड यूनिट वेट, हमारे पास सबमर्ज्ड यूनिट वेट भी हो सकता है, आपके पास सबमर्ज्ड यूनिट वेट भी हो सकता है, सबमर्ज्ड यूनिट वेट। हमने कहा था एक बार कि सबमर्ज्ड यूनिट वेट किसके बराबर होता है, गामा सैचुरेट माइनस गामा डब्ल्यू के बराबर,
गामा सेचुरेट माइनस गामा डब्ल्यू के बराबर, दोनों की वैल्यू पुट कर दो। तो गामा डैश इसको गामा सबमर्ज भी लिख सकते हैं इस तरह से, या फिर गामा डैश भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो गामा डैश इज इक्वल टू गामा सेचुरेट, गामा सेचुरेट का फॉर्मूला भी बताया था मैंने, जी एस प्लस ई डिवाइडेड बाय वन प्लस ए इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है। ये तो गामा सेचुरेट का फॉर्मूला है और इंटू माइनस गामा डब्ल्यू। अगर इस इक्वेशन को आप सोल्व करोगे तो आपको गामा डैश का वैल्यू मिलेगा जी एस माइनस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस ए इंटू गामा डब्ल्यू। तो सबमर्ज यूनिट वेट इज इक्वल टू जी एस माइनस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस ए इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है। दूसरा अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, एक दूसरा अगर एक और फॉर्मूला लिखे तो वो होगा ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट हमें जिस छठा नंबर तक हो गया था इसको मैं सेवन नंबर नाम देता हूं, ड्राई यूनिट वेट। अब देखिए ड्राई यूनिट वेट और टोटल यूनिट वेट में क्या फर्क होता है, क्या रिलेशन होता है, ये देखिए। अगर मान लीजिए हम लिखें बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, बल्क यूनिट वेट का मतलब टोटल यूनिट वेट, ठीक है। तो ये क्या होगा, टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम। और सॉइल का टोटल वेट किस किसके बराबर होता है, सॉलिड का वेट प्लस वाटर का वेट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम को टोटल वॉल्यूम। तो गामा टी वुड बी, यहां से डब्ल्यू एस कॉमन लिया जा सकता है, तो डब्ल्यू एस वन प्लस, मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, वन प्लस वाटर कंटेंट, क्यों, क्योंकि आ जाएगा वन प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू बाय डब्ल्यू एस, और डब्ल्यू डब्ल्यू बाय डब्ल्यू एस क्या होगा, वाटर कंटेंट होगा डिवाइडेड बाय बी। अब देखिए याद कीजिए हमने ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल पढ़ा था, ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल गामा डी, इसमें क्या कहा था सॉइल का ड्राई वेट, और सॉइल का ड्राई वेट किसके बराबर होता है, सॉलिड के वेट के बराबर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, तो ये गामा डी होता है। तो इसकी जगह भी क्या लिख दूं मैं, गामा डी लिख दूं। तो गामा टी वुड बी गामा डी इंटू वन प्लस वॉटर कंटेंट। और इसी इक्वेशन से अगर गामा डी लिखना हो आपको तो गामा डी वुड बी गामा टी डिवाइडेड बाय वन प्लस वॉटर कंटेंट। ये भी बहुत काम आता है, अगर तुम्हारे पास बल्क यूनिट वेट हो और वाटर कंटेंट हो तो ड्राई यूनिट वेट कैलकुलेट किया जा सकता है, या ड्राई यूनिट वेट हो और वाटर कंटेंट हो तो बल्क यूनिट वेट पता किया जा सकता है, अगर ड्राई यूनिट वेट हो बल्क यूनिट वेट हो तो वाटर कंटेंट भी पता किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। इसके बाद में लास्ट रिलेशन देखते हैं। अगर मान लीजिए मैं टर्म लिखता हूं वन माइनस एन ए, अगर मान लीजिए मैं टर्म लिखता हूं वन माइनस एन ए, इसको मैं नाम देता हूं ए, वन माइनस एन ए अगर मैं लिखता हूं, एन ए का मतलब परसेंटेज एयर वॉइड्स, और परसेंटेज एयर वॉइड्स क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ओके। जैसे मान लीजिए ये थ्री फेज डायग्राम मेरी बना देता हूं, ये डायग्राम है आपका, एयर है, वॉटर है, सॉलिड, राइट। तो वन माइनस वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो क्या आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस इक्वेशन में ये मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, ये मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ वाटर है, और ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर। अगर इस टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल में से वॉल्यूम ऑफ एयर निकल जाएगा तो किस किस का वॉल्यूम बचेगा, सॉलिड का वॉल्यूम प्लस वाटर का वॉल्यूम। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, क्योंकि टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ एयर क्या होगा, वाटर का वॉल्यूम प्लस सॉलिड का वॉल्यूम, ठीक है। अब इस इक्वेशन को इस तरह से कैलकुलेट, इस तरह से लिखा जा सकता है क्या, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक रिलेशन बताया था कि अगर तुमको किसी चीज का वॉल्यूम लिखना हो तो क्या होता है,
वेट डिवाइडेड बाय जी इंटू गामा डब्ल्यू, ये बताया था। तो यहां पे एक तो वॉल्यूम ऑफ वॉटर है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है। तो अगर वॉल्यूम ऑफ वॉटर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, वेट ऑफ वॉटर डिवाइडेड बाय जी ऑफ वॉटर। तो वॉटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी एक होता है, तो एक को लिखने की जरूरत नहीं है, गामा डब्ल्यू आ जाएगा। अगर आपको सॉलिड का वॉल्यूम लिखना हो तो क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय जी ऑफ सॉलिड इंटू गामा डब्ल्यू। क्लियर? तो वेट वॉल्यूम ऑफ वॉटर और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की जगह पे ये दोनों टर्म लिख सकी जा सकती है। तो ये हो जाएगा आपका वेट ऑफ वॉटर डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू इंटू वी, गामा डब्ल्यू प्लस गामा डब्ल्यू इंटू वी प्लस वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय जी एस इंटू गामा डब्ल्यू इंटू वी। इस तरह से लिखा जा सकता है इसको। क्लियर है? अब देखिए ये जो वेट ऑफ वॉटर लिखा है यहां पे, इस वेट ऑफ वॉटर की जगह पे मैं वॉटर कंटेंट इंटू वेट ऑफ सॉलिड लिख सकता हूं, ये हमको पहले से पता है। दूसरा देखिए, इसमें टर्म बन रहा है डब्ल्यू एस डिवाइडेड बाय बी, क्या टर्म बन रहा है, डब्ल्यू एस डिवाइडेड बाय बी। तो ये क्या हो गया, वापस से हो गया ट्राई यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। इनको आपस में रिप्लेस कर दो, इनको रिप्लेस करेंगे तो 1 माइनस एन ए वुड बी डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एस डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू इंटू बी, ठीक है, प्लस इसकी जगह गामा डी लिख सकता हूं, तो गामा डी डिवाइडेड बाय जी एस इंटू गामा डब्ल्यू, जी एस इंटू गामा डब्ल्यू। अब इसमें वापस वही टर्म आ गया डब्ल्यू एस डिवाइडेड बाय बी, तो ये भी गामा डी हो जाएगा। तो 1 माइनस एन ए इज इक्वल टू गामा डी इंटू वॉटर कंटेंट डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू इंटू फर्स्ट, ठीक है, प्लस गामा डी डिवाइडेड बाय जी एस इंटू गामा डब्ल्यू। ये रिलेशन बन गया, उसको बिठा देते हैं। अब इसको जब सोल्व करेंगे, यहां से गामा डी डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू ये कॉमन आ जाएगा, गामा डी डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा, वॉटर कंटेंट प्लस, इधर से लेंगे तो क्या बचा, वन बाय जी एस। तो वन माइनस एन ए इज इक्वल टू ये वाली इक्वेशन बची, इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे अंदर तो ये आएगा 1 माइनस एन ए इज इक्वल टू गामा डी बाय गामा डब्ल्यू। इसका कुछ भी नहीं करना, सिंपली ऐड करना है, तो जी एस एलसीएम आ जाएगा, क्या बचेगा, डब्ल्यू इंटू जी एस प्लस वन डिवाइडेड बाय जी एस, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अब अगर मैं यहां से गामा डी लिखू तो गामा डी क्या लिख सकता हूं, गामा डी इज इक्वल टू वन माइनस एन ए इंटू जी एस इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्या जाएगा, वन प्लस डब्ल्यू इंटू जी एस। तो गामा डी को एन ए की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एन ए मतलब परसेंटेज एयर वॉल्यूम, एन ए मतलब परसेंटेज एयर वॉल्यूम। एक चीज याद रखना कि इन दोनों के नाम सेम है, नाम एक ही जैसे, एक तो परसेंटेज एयर वॉल्यूम और एक एयर कंटेंट, लेकिन परसेंटेज एयर वॉल्यूम और एयर कंटेंट दोनों एक चीज नहीं है। परसेंटेज एयर वॉल्यूम क्या बताता है, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, और एयर कंटेंट क्या बताता है, वॉल्यूम ऑफ एयर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम। इन दोनों को एक मत समझ लें। इस तरह से ड्राई यूनिट वेट को परसेंटेज एयर वॉल्यूम की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। क्लियर? तो ये जो सारे भी इंटर रिलेशन थे, इन इंटर रिलेशन को आप एक जगह पे लिख लेना, एक पेज पे लिख लेना, और ये तुम्हारे विद डेरिवेशन याद होना चाहिए। काम आपको ये डब्बे वाली चीजें नहीं से पड़ेगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो उसमें कई बार बहुत छोटी छोटी चीजें भी काम आती है। तो अगर तुमको डेरिवेशन बहुत अच्छे से आता है अगर, तो वो चीजें तुमको कभी भी परेशान नहीं करेगी। उनके लिए परेशानी आएगी जिनके सिर्फ ये डब्बे वाली चीज आप, तो यू हैव टू गो थ्रू द डेरिवेशन, आपको डेरिवेशन भी समझना होगा, क्योंकि सॉइल मल्टी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। देखिए हमारे पास गामा डी के कई सारे फॉर्मूले आ गए, एक गामा डी का फॉर्मूला ये है, एक गामा डी का फॉर्मूला जी एस इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय वन प्लस ई था, एक गामा डी का फॉर्मूला गामा टी डिवाइडेड बाय वन प्लस डब्ल्यू था, ठीक है।
तो क्या सिचुएशन रहती है क्वेश्चन की, उसके हिसाब से कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो सॉइल में एक ही क्वेश्चन में कई सारे कॉन्सेप्ट भी काम में आ सकते हैं, इसलिए यू हैव टू गो थ्रू ऑल दीज डेरिवेशन। ये क्रूशियल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।